अरे भाई ये तो गिर गया। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यही है कि मार्केट गिर गया। मार्केट गिर गया, थोड़ी सी मुझे खुशी भी है और कुछ थोड़ा गम भी है। खुशी इस बात की है कि हमने जो पहले हमारा 6354 एक लेवल हुआ करता था निफ्टी में, मैं कई बार इस लेवल का उल्लेख अपने वीडियोस में कर चुका हूँ, तो ये वैसा ही लेवल 12,110 का अभी आता दिखाई दे रहा है। जैसे पहले हमारा एक लेवल था, हमने बिल्कुल एग्जैक्ट पीक पे पकड़ लिया था उसको, निफ्टी को, वहाँ से निफ्टी गिर गया था। तो लगता है कि इस बार भी हम कुछ कुछ सक्सेसफुल हो गए हैं, तो इसलिए मैं खुश हूँ। दुखी क्यों हूँ कि गिरने से किसी का फ़ायदा नहीं होता। सबके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, बाज़ार में एक अफरा तफरी का माहौल आता है, एक सेंटिमेंट ख़राब होता है, लोगों की मार्जिन कॉल्स आती हैं, फिर वो पैसा लग जाता है, तो फ़ायदा किसी का नहीं होता गिरने में। तो बढ़ने में फ़ायदा होता है, गिरने में इतना नहीं होता। तो हम भी नहीं चाहते कि मार्केट गिर जाए। हालांकि जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि लेवल है, इसकी एक्यूरेसी का एक अलग ही स्वाद रहता है मुंह में। लेकिन फिर भी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 11,795 यानी कि 11,795 एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ से हमें एक नई रैली की शुरुआत दिख सकती है। तो वहाँ से चलना शुरू हुआ मार्केट, आपने देखा काफ़ी अच्छा मोमेंट धीरे धीरे हौले हौले आया, 11,980 कुछ गया भी था, लेकिन फिर बजट इतना बढ़िया आया कि इस बजट के चलते वहाँ से मार्केट क्रैक कर गया। अगर बजट थोड़ा भी नॉर्मल आता, कि थोड़ा भी मार्केट को पसंद आता, तो जो है काफ़ी चीज़ें फ़र्क हो सकती थी, परंतु ऐसा हो ना सका। और अब ये आलम है कि मैं और आप आमने सामने फिर से हैं। अगर बजट अच्छा आता, मार्केट ऊपर चलता होता, तो शायद मैं ये वीडियो ना बना रहा होता। इसी के साथ दोस्तों, 795 के साथ हमने एक आपको सपोर्ट भी बताई थी, 640 की सपोर्ट थी कि इसके नीचे काफ़ी गिर सकता है। कुछ कुछ वैसा ही हुआ, लेकिन अभी इन द मिडल वे है, यानी कि रास्ते में है, बीच मझधार में गेम है। तो मैंने सोचा कि फटाफट आके एक वीडियो बनाते हैं, एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, पिछले व्यू को अपडेट तुरंत करते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो मैंने कंसल्टेशन में बनाया है किसी के साथ, तो मैंने एक काफ़ी अच्छी खासी फ़ीस भी पे करी है कंसल्ट करने की। इस बार कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे कंसल्ट करना ज़रूरी है, तो उनकी मैंने फ़ीस पे करी है और पूरा एनालिसिस हमने किया है। अब वो पूरा एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब क्योंकि मैं आपके साथ वो पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूँ, तो चाहता हूँ कि आप वो जो कॉस्ट आई है हमारी, उसको भी साथ में शेयर करें। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट है मार्केट में जिसका कि साइज़ काफ़ी बड़ा है, या इतना बड़ा है कि इस एनालिसिस से आपको उसका फ़र्क पड़ सकता है, तो आप ज़रूर इस चीज़ को आगे लें। अगर आपको लगता है कि आप खाली एंटरटेनमेंट के लिए एनालिसिस को जाना चाहते हैं, तो मेरी राय ये रहेगी कि आप अभी 4-5 दिन वेट कीजिए। फ्राइडे को हम ये वीडियो पब्लिक करने वाले हैं, तो फ्राइडे तक सभी के तक पहुंच जाएगी ये वीडियो। लेकिन अगर अभी आपका काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, या आपकी निफ्टी में पोजीशंस हैं, या म्यूचुअल फंड में बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और आप सोच रहे हैं कि मार्केट गिर रहा है, मैं निकाल दूं, तो ऐसी स्थिति में मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें, आप इसको हमसे लें, इसका लिंक लीजिए हमसे। लेने का तरीका बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके ऊपर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें लिंक है, लिंक पे आप क्लिक कीजिए और हमें व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको पूरी डिटेल्स उसकी दे दूंगा, लिंक भी आप तक पहुंच जाएगा, तो काम आपका भी बन जाएगा और इस वीडियो की कॉस्ट भी निकल आएगी। फिर बता रहा हूँ, इस फ्राइडे को ये वीडियो पब्लिक होने वाली है, तो अगर आपका कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपको लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा है, तो मेरी राय यह है कि आप तुरंत ले लीजिए, क्योंकि जो उसकी कॉस्ट है, वो शायद आपके निफ्टी फ्यूचर के ब्रोकरेज से भी कम है या उसी के आसपास है।